नमस्कार, टेस्ट के तड़के में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं अरबी की सूखी सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो अरबी कटी हुई बारीक लंबी और पतली, एक बड़ी चम्मच तेल, आधा चम्मच नमक, आधा एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च, दो कटी हुई बारीक हरी मिर्च। तड़के के लिए हमें चाहिए हींग, अजवाइन और सौंफ। आधा चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच अमचूर। एक कढ़ाई में हम तेल लेते हैं, तेल गरम हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें डालते हैं अजवाइन, सौंफ आधा चम्मच, थोड़ा सा हींग। डालते हैं हम इसमें अरबी, ये बारीक लंबी कटी हुई है। सूखी सब्जी बिल्कुल सिंपल होती है और खाने में टेस्टी होती है। अब हम इसमें डालते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, मंदी गैस पे ढकना इसको। इस सब्जी के बनने में 15-20 मिनट लग जाती है। अब फिर से इसको चलाने के लिए देखते हैं, अब फिर से सब्जी को चलाते हैं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। अब सब्जी आधी पकी हुई हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया। लाल मिर्च और धनिया हमने इसलिए बाद में डाला है ताकि इनकी खुशबू अच्छी रहे और सब्जी का रंग भी, सूखी सब्जी में इसका रंग बाद में डालने से अच्छा आता है। अगर हम धनिया पहले ही डाल देते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी उड़ जाती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर रख देते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको फिर रख देते हैं ताकि अरबी अच्छी तरह से गल जाए। चलो अब हम सब्जी देखते हैं खोल के, लग रहा है हमारी सब्जी बन गई, तैयार हो गई। इसका रंग भी अच्छा आया, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम डालेंगे इसमें अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला, मिला देते हैं हल्के हाथ से। सब्जी बनके तैयार। आपको सफर में जाना हो या टिफिन में डालना हो, सूखी सब्जी ले जाने में आसानी रहती है। तैयार। अब हम गैस बंद कर देते हैं। आप बना के जरूर देखिए एक बार।